यदि आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो बड़ी सोच की आवश्यकता है, सकारात्मक सोच की जरूरत है। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। हर साल आप जानते हैं कि रक्षाबंधन में भद्रा का साया रहता है, तो आज भद्रा कितने बजे तक रहेगी, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, और जब आप रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं तो आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, इस पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात के 11:55 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 8:10 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 7 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। पंडित जी, रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है? आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, और वैसे हम सब इसके महत्व को जानते हैं, लेकिन अब ये समझने की कोशिश और कर लेते हैं कि रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, रक्षा करने और करवाने के लिए जो पवित्र धागा बांधा जाता है, उस धागे को रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र कहते हैं। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहने अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर अपनी श्रद्धा से, अपनी भावना से रक्षा सूत्र बांधती हैं, और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। महाभारत के समय की एक कथा है कि राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। चूंकि द्रौपदी भगवान कृष्ण को अपना भाई मानती थी, तो इसके बाद ये परंपरा शुरू हुई कि बहनें अपने भाई को राखी बांधने लगी। प्राचीन परंपरा ये कहती है कि रक्षाबंधन वाले दिन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांध करके या रक्षा सूत्र बांध करके उनकी मंगल कामना करते थे, और अभी भी बहुत सारी जगहों पर ब्राह्मण अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। श्रावण की पूर्णिमा पर वेद पाठी ब्राह्मण
यजुर्वेद का पाठ करना आरंभ करते हैं। इसीलिए श्रावण की पूर्णिमा पर शिक्षा का आरंभ करना बहुत अच्छा माना जाता है। यानी श्रावण की जो पूर्णिमा तिथि है, ये केवल रक्षाबंधन के पर्व की तिथि नहीं है। इस दिन पूजा उपासना करने से और शिक्षा के लिए प्रयास करने से इन मामलों में भी आपको लाभ जरूर होता है। आज के विषय पर चर्चा जारी रहेगी। अब वक्त हो गया है राशियों का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है, संतान पक्ष की उन्नति होगी, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होना आरंभ हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। रक्षाबंधन हर साल आता है और हर साल रक्षाबंधन कब मनाएं, क्या करें क्या ना करें, इन बातों को लेकर के लोगों के मन में संशय रहता है। इस बार पंडित जी, रक्षाबंधन मनाने को लेकर क्या भ्रम है, किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? हर बार रक्षाबंधन आने के पहले भद्रा को लेके और रक्षाबंधन बांधने के समय को लेकर के हर जगह झंझट फैल जाता है। इस समय तक भद्रा है, इस समय मत बांधो, बुरा है अच्छा है, तमाम तरह की बातें सामने आ जाती हैं, तो एक सामान्य आदमी परेशान हो जाता है कि वो त्योहार मनाए या ना मनाए। हम आपकी दुविधा को दूर कर देते हैं। इस बार रक्षाबंधन मनाने का समय क्या है, रक्षाबंधन कब मनाएं और भद्रा का चक्कर क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि को। इस बार पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को रात में 11:55 तक है, इसलिए पूरे 19 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जा सकता है। भद्रा का चक्कर क्या है, 19 अगस्त को भद्रा
दोपहर में 1:32 तक है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दोपहर 1:32 तक राखी मत बांधो, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मकर राशि है 19 तारीख को रक्षाबंधन वाले दिन, और इस वजह से भद्रा का निवास पाताल लोक में रहेगा, भद्रा पाताल में रहेगी इस बार। अब चूंकि भद्रा पाताल में रहेगी तो इस भद्रा का धरती के किसी काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भद्रा धरती पर रहेगी ही नहीं तो क्यों भद्रा भद्रा कह रहे हैं कि 1:30 तक राखी मत बांधो, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे दिन बिना किसी संकोच के आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। राहु काल का समय अगर संभव हो तो अवॉइड कर दीजिए। सुबह 7:30 से 9 तक आज राहु काल है, तो इस समय को अवॉइड कर दें। राहु काल के बाद जब आपको मौका मिले, जैसा आपको मौका मिले, आप रक्षाबंधन का पर्व मनाइए। इस बार के रक्षाबंधन पर भद्रा का कोई भी साया नहीं है। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, मानसिक चीजें ठीक रहेंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, करियर में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके पहले आपको बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और ऐसा क्यों अवश्य देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में हम जानेंगे शास्त्र क्या कहता है हमारी डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीजों के बारे में। और आगे शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके सवाल की।
यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न अरविंद जी ने हमें लिखा है और अरविंद जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। अरविंद जी की जन्म की तारीख है 9 मार्च 1980। जन्म का समय शाम को 4:15 और जन्म का स्थान है जौनपुर। अरविंद जी कह रहे हैं कि मैं एक मैनेजमेंट और फाइनेंस की कंपनी में नौकरी कर रहा हूं काफी लंबे समय से और मैं अपनी नौकरी बदलना चाहता हूं, तो मेरी नौकरी कब तक बदल पाएगी और आने वाला जो समय है उसमें मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अरविंद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी बदलने का प्रयास अगले साल करिएगा जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में। साल 2025 में जनवरी से अप्रैल के बीच में प्रयास करने पर आपकी नौकरी अवश्य बदल सकती है, जिसकी संभावना आपके लिए बनती है। जहां तक आपकी आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बढ़िया है, उसमें किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, आप कैसे मनाएं रक्षाबंधन? कौन सी चीजें जरूरी हैं? किन बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है? पंडित जी, हम हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं, इस बार किन बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, कैसे मनाएं हम रक्षाबंधन? अब आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व मनाने का सही तरीका क्या है। एक थाल ले लेंगी बहने, थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखेंगी। घी का एक दीपक भी रखेंगी जिससे भाई की आरती करें। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करेंगी। सबसे पहले भगवान के चरणों में अपनी थाल रख दें, अपना रक्षा सूत्र रख दें तो अच्छा होगा। इसके बाद अपने भाई साहब को बैठाइए, पूरब की तरफ चेहरा करके या उत्तर की तरफ चेहरा करके, वैसे पूरब सबसे ज्यादा बढ़िया है। पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर भाई को रक्षा सूत्र बांधें और फिर उनकी आरती करें। उसके बाद बहनें अपने भाई को मिठाई खिला करके भाई की लंबी आयु के लिए, भाई के बेहतर जीवन के लिए मंगल कामना करेंगी। जब रक्षा सूत्र बांधा जाएगा तो भाई और बहन का सर खुला नहीं होना चाहिए। रक्षा बंधवाने के बाद और बहन जब अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध लेती है तो माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। इसके बाद भाई अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार देंगे और अपनी बहन को वचन देंगे
कि बहन की कष्ट के समय में रक्षा करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उपहार में ऐसी वस्तुएं देंगे भाई अपनी बहन को, या बहुत बार बहनें भी भाई को उपहार देती हैं, तो उपहार में ऐसी वस्तुएं दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हो। काले कपड़े अपने भाई बहन को न दे, तीखा खाने का पदार्थ या नमकीन खाने का पदार्थ न दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में अशांति से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य के योग हैं, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। रक्षाबंधन के पावन पर्व में बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं, लेकिन ये राखी होनी कैसी चाहिए? पंडित जी, हमारा शास्त्र क्या कहता है, बहनें जो राखी बांधती हैं वो कैसी होनी चाहिए? अब रक्षा सूत्र तो आजकल बहुत डिजाइनर आ गए हैं, सोने चांदी की राखियां आ गई हैं, प्लास्टिक की, इलेक्ट्रॉनिक राखी, बड़ी सारी राखी आ गई है, तो रक्षा सूत्र या राखी होनी कैसी चाहिए? जो बहनें अपने भाई को बांधेंगी, देखिए वास्तव में रक्षा सूत्र तीन धागों का होना चाहिए, लाल धागा, पीला धागा और सफेद धागा। लाल धागे का मतलब ब्रह्मा, पीले का मतलब भगवान विष्णु और सफेद का मतलब भगवान शिव। इन तीनों की त्रिशक्तियां इन तीन धागों में पाई जाती हैं। अगर तीन धागे वाला रक्षा सूत्र नहीं मिल रहा है तो ऐसा रक्षा सूत्र लीजिएगा जिसमें लाल और पीला धागा जरूर रहना चाहिए। रक्षा सूत्र में अगर चंदन का टुकड़ा लगा हुआ हो तो बहुत ज्यादा शुभ होगा। और अगर आपके पास रक्षा सूत्र नहीं है तो केवल भावना के साथ
श्रद्धा के साथ कलावा यानी मौली ये भी आप अपने भाई को बांध सकती हैं। देखिए जब बहनें अपने भाव से अपनी श्रद्धा से और अपने प्रेम से अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं तो वो रक्षा सूत्र उनके भाई की रक्षा करता है और बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। देखिए रक्षा सूत्र बांधने के साथ बहुत बार एक मंत्र भी पढ़ा जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम अनुध्वामी रक्षे माचल माचलः। इस मंत्र के साथ भी रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। और देखिए आपकी बहन ने आपको राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा, तो लंबे समय तक कलाई में उसको पहने रखिए और अगर निकाल भी देते हैं तो इधर उधर उसको बिल्कुल मत फेंकिएगा, या तो बहते हुए जल में डाल देंगे या जमीन खोदकर जमीन में दबा देंगे, लेकिन इधर उधर रक्षा सूत्र मत फेंकिएगा, उससे चीजों का अनादर होता है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी आज रक्षाबंधन का पर्व है, बहुत सारे ऐसी बहनें हैं जिनके भाई नहीं है या बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनकी बहनें नहीं है, तो वो लोग रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाएं? एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि जिन बहनों के भाई नहीं हैं वो रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाएंगी और जिन भाइयों के बहन नहीं है वो रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाएंगे। देखिए अगर आप बहन हैं, आपके कोई भाई नहीं है, तो आप भगवान कृष्ण को अपना भाई मान करके उनको रक्षा सूत्र बांध करके रक्षाबंधन का पर्व मना सकती हैं, या जिसको भी इष्ट देव मानती हैं, हनुमान जी शिव जी, आप उनको भी अपना भाई बना करके रक्षाबंधन का पर्व मना सकती हैं। और जिन भाइयों के बहन नहीं है वो क्या करेंगे, जिन भाइयों के बहन नहीं है ऐसे भाई माता लक्ष्मी को अपनी बहन मान करके उनकी पूजा भी करेंगे, उन्हें वस्त्र देंगे, उन्हें उपहार देंगे और उनके साथ रिश्ता बना रहे इसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो अगर किसी भाई की बहन नहीं है और वो भाई माता लक्ष्मी को अपनी बहन मान करके आगे बढ़े जीवन में तो उसका कल्याण अवश्य होगा। अब बात मकर राशि की, शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका आज हो जाएगा, करियर में अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं, धन संबंधी समस्या हल होगी, भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कुंभ राशि की, शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता से बचाव करें, करियर की स्थिति में सुधार होगा, शाम से स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, लेकिन अपने वाणी और अपने स्वभाव का ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, करियर की बाधाएं हल होंगी। नंबर 6, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नंबर 7, ऑफिस में आपके समस्या आ सकती है। नंबर 8, दुर्घटना से बचाव करें। नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग लगा करके प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। अब वक्त है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई इंटरव्यू है, सफेद मिठाई खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान शिव को जल अर्पित कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है आपको तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा मकर राशि के लोगों के लिए। काम में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, तमाम चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा,
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए धन का लाभ होगा, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा तुला राशि के लोगों को, बेवजह की चिंताएं और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं और आज आपके महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।